तो सात आदमी में इतना ही आटा चावल ऐसा क्यों सब्जी। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सही होंगे। तो हम संतोष प्रेमी, ये हमारे रूपेश नजरिया, जो कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं वो तो आपको वीडियो में पता ही चल ही जाएगा। तो ये जो वीडियो है दो चैनल में डलने वाला है, एक संतोष प्रेमी ब्लॉग्स में, एक रूपेश नजरिया ना नजरिया ब्लॉग्स, नजरिया ब्लॉग्स। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, देखिए कैसे कैसे कहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नहीं करते सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। जाना नहीं है दोस्तों, फुल लास्ट तक देखो वीडियो। कल को केस करवे बोल तू नहीं सब गोगो किया ले छी के एगो फिल्म ग कछ हाउ डू डू कसम बड़ तू दवा दल कुछ ख्याल चाहे छी। आप देखिए लाइव टेलीकास्ट में आप लोग को दिखा रहे हैं, एक आदमी जाने के लिए नहीं चाहता है। देखिए इधर इसका प्लान बना हुआ था, नहीं जा पाया है। आप देखिए इधर पूछिए काहे नहीं जा पा रहा, पूछो रो काहे नहीं जल चाहे छी, काहे नहीं जल चाहे छी। ये जाने के लिए क्यों नहीं कर रहा, रात में कुछ ज्यादा दारू पी लिया है, बकरा कट रहा था दारू पी लिया है, नशा नहीं टूटा है। अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा, फिर भी क्या करेगा, इसको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे भी जाए लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं, हमारे साथ जो रूपेश नजरिया है वो देखिए क्या चीज पैक कर रहा है। इधर देखिए अंधेरा में नहीं समझ दिखाई पड़ेगा, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही गंभीर समस्या लग रहा है। रुपेश जा रहे हो, क्या फीलिंग कर रहे हो? मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि मैं बिहार छोड़ के अपने बाहर जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बहुत मस्ती होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, मस्ती होगा क्या होगा ये तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलते हैं, देखिए पैसा गिन रहा है। कल कहाँ बोलते हैं देख सकते वहाँ पे रुआई चल रहा है लाइव टेलीकास्ट में। कैमरा में फोकस दीजिए, उधर रो रहा है आदमी सब, क्या करेगा घर एक ठेला। ये देखिए ये देखिए उधर बैग निकल गया, देखिए इधर गांव छोड़ के जा रहे हो, क्या फीलिंग हो रहा है? फीलिंग ये हो रहा है कि अभी बाढ़ पीड़ित का मौसम है, बंदे सब नहीं डूब रहा था तो ऊपर गया, इसके बाद जा रहे हैं क्या करेंगे। बैग कहाँ तक है? बैग यहाँ पे है ना, बैग रखा ना। तो आप क्या फीलिंग कर रहे हैं? चला नाम दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कल चाची जाओ ठीक, तो आप लड़ाई छो, आप शांति से रहिए। मुँह खुला लेते तुम लगातार कैमरा फोकस हमारे साथ जुड़ चुका है रूपेश नजरिया, जो कि लाइव टेलीकास्ट में देख सकते हो हमारे साथ। तो ये हमारे रूपेश नजरिया हो गया। कितना माहौल गर्मा गर्म है इधर देख सकते हैं, सब सकते हैं यहाँ पे बेग कितना ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर पटरी पट रहा है ऊपर में, आप देख सकते हैं ये बच्चा कितना परासी का आदमी आ गया छोड़ने के लिए। इधर देखिए कितना भीड़ हो चुका है, आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट में कितना भीड़ हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं, इधर देखिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखिए वे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लगे रहिए हमारे साथ एंड तक। कितना आदमी है इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ये रवाना हो चुका है, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग जोगमनी पुंग गए हैं हम लोग, तो बाकी आदमी वहाँ पे है, तो हम लोग टिकट कटा के अब कुछ ही क्षणों में बैठने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जाना नहीं है कहीं पर। कुछ बोलना चाहते हैं?
मजे से जा रहे हैं, मजे से बने रहिए बस लास्ट तक। तो देखिए हाँ इधर अंदर 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 चलो 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 तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बैठ चुका है हमारे बंदा। कुछ क्या फीलिंग कर रहे गांव छोड़ के? बहुत बढ़िया है, ट्रेन है कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसा रहेगा बहुत बढ़िया, मजा आएगा घूमने में, बरसात में क्या करेगा यहाँ। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, कुछ ही देर में चलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक देखिए क्या क्या होता है 3 दिन के सफर में। तो नमस्कार प्रणाम, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सही होंगे। हमारे साथ बिहारी चावल जुट चुका है, जो कि बिहारी चावल क्या खा रहा है, खाने में कैसा लग रहा है गर्वन जी? खाने में कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं ट्रेन में बासी चावल मिलता है जो कि 25 रुपया मुन्ना भाई, बासी चावल खा जो। तो आप देख सकते हैं बासी चावल दे के ठग लिया गया हम लोग को, ना इंसाफी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नहीं खा पाया, फेंक रहा है। आप देख सकते हैं इधर देखिए, ये देखिए खराब चावल दिया इसके कारण फेंक रहा है। और देखिए ये जो खाना है ये वेस्ट हो गया, ये फेंक दिए हैं। और मगर ये जो है ना आदमी, ये नहीं छोड़ रहा है, बासी चावल रहे कुछ भी रहे ये मगर नहीं छोड़ेगा। तो देखिए अभी फेंक रहा है, आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट में। धर्मेंद्र मुखिया, आप जो ये चावल बासी खा रहे हैं आप क्यों नहीं फेंकना चाहते हैं? है ना, अच्छा खाना पड़ता है, अच्छा पैसा लग गया तो खाना पड़ेगा, भले बासी चावल रहे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये अंडा आधा दिया कि गोटा साबुत? अब लगातार कैमरा में फोकस कीजिए, हमारा मुन्ना भाई आ गया है MBBS, जो कि लगता है कि वही चावल खा रहा है। ओ मुन्ना भाई तू चावल जे महक छो कहने फेंक छो? मैं सोचा 20 रुपया। अच्छा ऊपर वाला बंदा क्यों फेंक दिया है? चलो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग बैठे बैठे थक गए हैं, तो हमारे जो रूपेश नजरिया है कुछ कहने वाला है, ये सुनिए उससे। हेलो दोस्तों कैसे हो? दो दिन से ट्रेन में बैठे बैठे हालत खराब हो चुका है, कब पहुँचेंगे पता ही नहीं लग रहा है, बहुत स्लो चल रहा है ट्रेन, पहुँच जाएंगे लेकिन लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा लास्ट तक मिले लगाएंगे। चलो चलाएंगे। तो देखिए दिल्ली पहुंच गए हमारे कुंदन जी, जो है वो बैग तैयार कर लिया है, अब यहाँ से फिर से ट्रेन पकड़ा जाएगा। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? रुकावट के लिए खेद है क्योंकि अंधेरा है, थोड़ा साफ में लाइट में आओ। तो दोस्तों हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, देख लीजिए आप सामान सामान पैक हो गया, अभी नीचे उतर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जाना है लुधियाना, बने नहीं हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों हमारे जो पार्टी आ जाओ, जो हमारे रुपेश नजरिया ये भी आ चुका है, अब जा रहे हैं फिर से गाड़ी पकड़ने के लिए, आओ चलो। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग दिल्ली पहुंच गए, बहुत परेशान में है। क्या रुपेश कितना परेशान हो तुम लोग आज? बहुत ज़्यादा परेशान हो दोस्तों, आज बहुत ही दिक्कत ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 5 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे बाहर में, बारिश भी आने वाले था तो मगर नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, अंदर चल गए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी 1:50 हो रहे हैं, अभी तक हम जाग रहे हैं, अभी हमारा ट्रेन नहीं आया, टिकट भी अभी नहीं काट रहे हैं। जैसे ट्रेन आ रहा है आपको दिखाते हैं।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फंस गए बुरी तरीके से पुरानी दिल्ली में। यहाँ पे ट्रेन नहीं आ रहा है क्योंकि उसका पूरा जिम्मेवारी मेरा मुन्ना भाई जो है वो है, वो कह रहा टिकट कटा लो, अभी कटा लिए, अभी 4 बजे अभी तक नहीं आया, अब देखते हैं कब तक आ रहा है ट्रेन, तो उसी में बैठ के जाएंगे। और जो हमारा साथ का है जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आज पूरी रात सोया नहीं, इसी कारण देखिए दूसरा गाड़ी आ चुका है हम लोग को लेने के लिए, नहीं आया, बहुत परेशान में बंदे सब देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए मैं रूपेश नजरिया से मिलवाते हैं, वो क्या कर रहा है, तो फिर क्या फीलिंग कर रहे हो इतना ज़्यादा लेट हो चुका है? तो भूख लगा है, अच्छा ऊपर से नींद बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से थक गए हैं बहुत ज़्यादा, अब करे तो करे क्या करे, ट्रेन भी नहीं आ रहा है, ट्रेन में जो था उसको कैंसिल करवा दिया गया है, अब बैठना पड़ेगा सारी रात ऐसे ही, दोस्तों बैठते हैं क्या करेंगे। जैसे कि रुपेश नजरिया बोला आपको कि अभी बैठना पड़ेगा, तो हाँ अभी बैठना पड़ेगा, 5 बजे गाड़ी है उसी में बैठ के हम लोग जाएंगे लुधियाना। तो देखिए आता है गाड़ी कै बजे, ऐसे तो 5 बजे का डेट है, तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि आदमी सब सो रहा है, हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं कि जो आदमी सब सो गया है बैठ के सो रहा है, तो इधर देखिए बहुत परेशान में है, उसका ये भाई बहन है तो देखिए, और उसका जो भाई है यहाँ पे है, उसका जो बाबूजी है ये है, बात सही है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग जो बहुत ज्यादा परेशान में है, जो कि हमारे पांडे पुंडे चक के आ रहा है हमारे आना रे अरे हमारा सामान तो आइए हम आपको दिखाते हैं कितना सामान हम लोग लेके आए हैं। और धर्मेंद्र जी क्या क्या सामान लेके आए हैं? हम तो किलो भैया अरवी लाए हैं खाना बनाने के। अरवी लाए, तुम्हें बताओ क्या सोटे का सामान लो, की सामान लो यार? हम सिलेंडर लाए हैं, चूल्हा लाए हैं, अभी आगे दिखाते हैं क्या आइए है। अभी जाके इसमें चावल है, अच्छा चावल कितने कितना लाए हैं? चावल 10 किलो 10 केजी ले आए हैं। अच्छा और क्या कहता है, ये 1.5 किलो तेल ले आए हैं, ये बड़ा पतीला है, ये पतीला में कितना आदमी खाने वाला है? इसमें 7 आदमी खाएंगे। 7 आदमी तो चावल एक दिन में कितना बनाइएगा? इसमें बनेगा 2.5 किलो 2.5 केजी बनेगा। अच्छा फिर थाली कितना, कई पीस थाली लाए हैं? 7 पीस लाए हैं थाली, आपको दिखा रहे हैं थाली को, ये देखिए ये हो गया थाली, एक थाली हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बाकी 4 इसमें भी है, कितना गिनती करेंगे। अच्छा ये कढ़ाई हो गया है सब्जी बनाने के लिए। अच्छा ये हो गया है रोटी पकाने वाली, ये हो गया मसाला, गिलास एक ही को कहे नहीं, गिलास में कुटाई करेंगे मसाला मिर्च। अच्छा और ये रोटी बनाने का तावा है। अच्छा ये तो सबको पता है, ये सब्जी बनाने वाला है। तो 7 आदमी में इतना ही आटा चावल ऐसा क्यों, सब्जी इतना ही नहीं, फिर कल ले आएंगे, थोड़ा वो पैसे का प्रॉब्लम हो गया, सब नया नया घरवास ले रहा है ना। अच्छा भी ले आए हैं उधर, ये पंखा। तो आप लोग एक रूम में कितने बंदे रहते हैं? हम लोग 7 रूम रहते हैं, 3,000 रुपए सैलरी ले रहा है, 7 बंदे रह रहे हैं, क्या करें, 7 बंदे हैं 7 रूम नहीं, 7 रूम नहीं, एक ही रूम है, और कपड़े कुपड़े भी ले आए हैं, कपड़े भी लाए। तो देखिए हम लोग खाना बना रहे हैं, ये देखिए छोटा वाला गैस है, स्टार्टिंग हो रहा है, ये देखिए पतीला चढ़ा रहा है, यहाँ पे सब्जी कट रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों अब आपसे कहना चाहेंगे कि ट्रेन में आने में बहुत ही दिक्कत हुआ था, तो जिसके कारण कि अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है। तो दोस्तों तब एक बात कहना चाहते हैं आप सबसे कि इसके चैनल में मेरा चैनल का लिंक होगा और मेरे चैनल में इसका चैनल का लिंक होगा, तो दोस्तों आप जाके प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।